बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके जितने भी अफेयर हैं सबका नेगेटिव एंड हुआ और सलमान खान आज भी बैचलर हैं। लेकिन जिस रिश्ते की सबसे ज्यादा डिस्कशन की जाती है वो है सलमान ऐश का रिश्ता, जो हम दिल दे चुके सनम के सेट पर पनपा और उसके बाद बहुत ही नेगेटिव एंड के साथ खत्म हुआ। इस प्रेम कहानी का एंड बहुत ट्रेजिक था, बिकॉज यहाँ पर पुलिस केस भी आ गया और सलमान खान पर मारपीट का आरोप लगाया गया। साल 2002 में ऐश्वर्या राय ने सो कॉल्ड तरीके से बॉम्बे टाइम को एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर ये कोट किया गया कि मैं उनके शराबी मिसबिहेवियर से बहुत ज्यादा पीड़ित रही हूं और उस बदले में मुझे वर्बल इमोशनल फिजिकल दुर्व्यवहार यानी अब्यूज का सामना करना पड़ा, उनकी बेवफाई और अपमान का शिकार होना पड़ा, इसलिए मैंने किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वुमन की तरह अपने रिलेशनशिप से बाहर आना उचित समझा। ये कहना है ऐश्वर्या राय का ऑन द बॉम्बे टाइम्स इंटरव्यू। अब ये बात एक तरफा रहती अगर सलमान खान का एक इंटरव्यू वायरल नहीं होता जो NDTV के एंकर के थ्रू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर सलमान खान से पूछा जा रहा है क्या आप सच में मारपीट करते थे, तब सलमान खान बिना किसी का नाम लिए कहते हैं अब अगर उस महिला ने कहा है तो मेरे पास कहने कुछ है नहीं। लेकिन जब सलमान खान से पूछा जाता है कि आप इस मामले में पढ़ना चाहते हैं या नहीं, तब सलमान खान बोलते हैं अगर मैं किसी को मारता हूँ तो जाहिर तौर पर बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ होगा और मुझे गुस्सा भी आया होगा, और अगर उस वक्त मैं किसी को तेजी से मारूंगा तो इतनी जोर से मारूंगा वो बच नहीं पाएगी। यानी सलमान खान यहाँ पर अपने एंगर मैनेजमेंट वाले इशू को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं अगर उनको गुस्सा आ गया तब वो हल्का फुल्का हाथ नहीं चलाते, ऐसा मारते हैं कि बंदा सर्वाइव न कर पाए। हालांकि यहाँ पर सलमान खान के इंटरव्यू को निगेटिव टॉक्सिसिटी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है सलमान खान मारपीट में बिलीव करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक ह्यूमन मामला है, सलमान खान एक प्रेम अफेयर से निकल कर आए हैं जो बहुत ही ट्रेजिकली खत्म हुआ था। सलमान खान को बहुत टाइम लगा इससे ओवरकम होने में, खासतौर से विवेक ओबरा की कंट्रोवर्सी के बाद तो मामला कुछ नेगेटिवली तूल पकड़ चुका था। ऐसे में सलमान खान पुराने इंटरव्यू में अगर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनको गुस्सा आया था तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मारपीट की बात को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बोलते हैं अगर उन्होंने मारा होता तो सामने वाला बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। अब प्यार में लाख झगड़े होते हैं, लाख गिले शिकवे होते हैं, लेकिन मारपीट जब आती है तब बहुत ही मामला अब्यूज का हो जाता है, और जब मामला कोर्ट या पुलिस के कटघरे में जाता है तब कहीं भी पीस की गुंजाइश नहीं बचती। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।